डीलिस्टिंग एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत कम चर्चा होती है। धर्म परिवर्तन के बाद क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसे लेकर विश्व संवाद केंद्र भोपाल में एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो वक्ता हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम जो युवा हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और डीलिस्टिंग एक ऐसा शब्द जिसे जानना बेहद ज़रूरी क्यों है, तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कालू सिंह जी मौजूद हैं। कालू जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अपना ये डीलिस्टिंग जो है वो कितना धर्म परिवर्तन को प्रभावित करती है और इससे भारत की कैसे जड़ें इसकी खोखली की जा सकती है डीलिस्टिंग के जरिए। जैसा कि हमारे 341 और 342 में अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में डिफाइन किया है अलग अलग। अनुसूचित जाति में स्पष्ट लिखा है कि ईसाई और मुसलमान हो जाने पे उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, परंतु हमारे साथ जनजाति समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ है। उसी को मांग कर रहे हैं हम लोग, और स्वर्गीय कार्तिक उराव जी ने 1969 और 70 के समय एक पार्लियामेंट में इसको बड़ी आवाज़ के रूप में उठाए थे, और इसका असर पूरे देश भर में देखने को मिलता है कि जनजाति समाज अपनी आस्था परंपराएं मूल संस्कृति को छोड़ करके और एकदम अलग हो जाता है, तो जो मूल समाज है वो वैसा ही नीचे के नीचे ही रह जाता है। उनको आरक्षण का लाभ आज भी नहीं मिला है, तो एक बहुत बड़ी गैप आज देखने को मिल रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो पहले तो ये कहा जाता है कि चूंकि हिंदू समाज में जातिवाद है इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उनका, जब वो मान लीजिए ईसाई बन गए या इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके बाद भी उनको आरक्षण का लाभ मिलता रहता है, जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। जी, ये स्पष्ट है। कई जगह हमने कई प्रमाण पत्र भी देखे। एक सिवनी का प्रमाण पत्र हमने देखा जिसमें एक मुसलमान जाति प्रमाण पत्र है और वो जनजाति के नाम पर वो आज आरक्षण के नाम पर नौकरियाँ भी कर रहे हैं और वहाँ के जनजाति समाज के ज़मीनें भी खरीद रहे हैं, तो इस प्रकार का भी कई जगह देखने को मिल रहा है। आपसे भी समझना चाहेंगे, कुछ राज्य जैसे इससे पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि जनजाति जो है वो हिंदू नहीं है, और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं कवासी लखमा जी, उन्होंने भी बयान दिया कि जो आदिवासी समाज जो है वो हिंदू नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हिंदू कोई जाति नहीं है, ये एक जीवन पद्धति मूल सनातन की बात है, और जनजाति आदि परंपराओं से आदि काल से सनातन का अग्रसर रहा। राम के साथ में आपने देखा होगा वन में निषाद राज जो है उनके सबसे पहले मित्र बने, माता सबरी के उन्होंने जूठे बैर खाए श्री राम जी ने, तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते हम सनातन संस्कृति के अग्रसर हैं। हिंदू एक जन पद्धति है समाज की, इसलिए आप हिंदू धर्म में नहीं मानता, और शायद आप भी इस विषय को समझेंगे। कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है वो सनातन धर्म को मानता है। आदिवासी समाज जो है ये प्रकृति मूल है, जो हम आप डिवाइन करते हैं कि जैसे जल, जंगल, जमीन, सूर्य, पेड़ पौधे आदि, इनकी पूजा पद्धति, पूजा करने वाला, उनमें रहने वाला ऐसा समाज जो प्रकृति के ही सानिध्य में रहता है, उन्हीं में रस्ता बसता है, तो यह समाज जो है वही सनातन को भी वो मतलब करता है, इसलिए सनातन संस्कृति का अग्रसर है, सनातन को मानने वाले हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे मैडम कि आपका वक्तव्य हमने सुना, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कि आदिवासियों के साथ विवाह करके धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है, उसके बाद ये बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा षड्यंत्र आपको लगता है, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत ही भोला वाला समाज है, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, तो उन्हें ये बात अब तक क्यों नहीं समझ में आई, और ये षड्यंत्र कितना बड़ा है, कौन लोग हैं इसके पीछे? जी देखिए, बात षड्यंत्र की है तो उस विषय पर मैं ज़्यादा अंतर उस पर चर्चा नहीं करूँगी। ये विषय है आदिवासी के अस्तित्व का, आदिवासी की अस्मिता का,
यदि वो ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए वो प्रकृति पूजक है। हम बार बार कह रहे हैं कि जनजाति समाज एक प्रकृति पूजक समाज है, जो जल जंगल जमीन की पूजा करता है, उसकी संस्कृति उसकी परंपराओं में उसको सहेजने का संदेश है। अगर ऐसा किसी धर्म में वो चले जाते हैं जहाँ पर ये पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो फिर वो आदिवासी रहा ही नहीं, तो आदिवासी का अपने आप पतन हो जाएगा। आपने अभी कहा कि जातिवाद की वजह से आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है, तो मैं आपके संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहूँगी कि आदिवासी समाज के साथ कभी भी जातिवाद की स्थिति नहीं हुई है। भगवान बिरसा मुंडा गले में जनेऊ धारण करते थे, जो ओंकारेश्वर है जिसको ज्योतिर्लिंग गिना जाता है वो भील मानधाता राजा का है। संत सिंगाजी महाराज जो निमाड़ के आराध्य देव हैं, अगर उनका जीवन काल आप देखते हैं तो उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्षों तक जिस राजा के यहाँ पर सेवाएं देकर उस गांव में अपनी कृपा बरसाई थी, वो भी एक आदिवासी भिलाला राजा थे। तो भिलालाओं का, जनजाति समाज का, भील समाज का, गोंडवाना का, जितना भी रानी दुर्गावती, अगर आप ये राज परिवार देखेंगे तो ये सब आदिवासी का था। तो जातिवाद जैसी व्यवस्था जनजाति समाज में तो कभी नहीं थी, जनजाति समाज में कभी नहीं थी। और ये बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि इस तरह से एक परसेप्शन एक बताया जाता है कि साहब देखिए कि हिंदू धर्म में बहुत भेदभाव था, उसको दूर करने के लिए इस तरह से धर्म परिवर्तन किया जाए। आपसे समझना चाहेंगे सर, एक सवाल जो मैंने मैडम से भी पूछा और आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जब इस तरह की व्यवस्थाएँ कायम की जाती हैं और उसका बड़ा मकसद धर्मांतरण रहता है, तो उसके पीछे कुछ शक्तियाँ रहती हैं, कुछ कहीं ना कहीं फंड भी यहाँ पे भेजा जाता है, कौन लोग हैं जो इतना बड़ा षड्यंत्र भारत के और भारत के आदिवासी समाज के खिलाफ रच रहे हैं? देखो, इसमें तो अभी स्पष्ट तो वो नहीं कर सकते, पर कहीं कहीं शक्तियाँ हैं जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है। उसमें अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लोभ लालच दे करके भी करवा रहे हैं, परंतु समाज में कई शक्तियाँ ऐसे काम कर रही है, उसको देखना पड़ेगा। लोभ लालच भी दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। लोभ लालच देखना है तो आप ऐसे सुदूर एरिया में जाइए, वहाँ पर गरीब परिवारों में अनाज हो गया, दवाई हो गया, ये सब दे करके उनकी मूल संस्कृति से उनको दूर करते हैं। लेकिन धर्म कोई किसी को बांटता नहीं। देश में ये अगर ये षड्यंत्र हो रहा है और प्रबुद्ध वर्ग अगर देख रहा है, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक हमें एक आवाज़ ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे गरीब समाज के लिए उठाना चाहिए। आज वो बहुत ऐसे विस्थापित और अस्तित्व में है कि जिन उनकी एक मूल आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है। आरक्षण का अगर लाभ से वंचित आप करेंगे तो एक बड़ा जो तबका वो आपका सपोर्ट क्यों करेगा? आरक्षण से वंचित कैसे? आप आरक्षण धन परिवर्तन करने के बाद भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, एक बड़ी संख्या उनकी हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं आपका विरोध नहीं करेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन करके आरक्षण का लाभ लेना हमारे 342 के उसमें है ही नहीं ये कलम, क्योंकि एक षड्यंत्र के साथ में 342 में धर्म कोड दिया ही नहीं। आपको उसको रिप्रेजेंट किसने किया? संविधान के अंदर अनुच्छेद लिख यह प्रेजेंट करने वाले, हमारी आइडेंटिटी के प्रेजेंट करने वाले कौन थे? हमको देखना चाहिए संविधान की, जब ये उल्लेख हो रहे थे उस समय वह व्यक्ति उल्लेख किया है, जिस व्यक्ति ने उल्लेख किया वो हमारे मतों का था ही नहीं, उसने हमारे को धर्म परिवर्तन वाले खाई में डाल दिया, समाज को धर्म से वंचित कर दिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये मेरी खुद की व्यक्तिगत एक वो है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि 342 में इस धर्म कोड से वंचित किसने रखा। अगला कदम क्या होगा? आप लोग लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, अगला कदम क्या है? देखिए, हम लोग जब तक हमारी ये मांग है डिलिस्टिंग 341 में जैसा है, जैसा बाबा साहब ने लिखा है अनुसूचित जाति के लिए, कि जो व्यक्ति सिख धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म, इसके अलावा अन्य धर्म किसी धर्म में जाता है, तो उसके सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। हम वैसा का वैसा 342 में चाहते हैं, क्योंकि ये संरक्षण करने की एक प्रोटेक्शन ये है ये अनुच्छेद। अगर आप अपनी मूल संस्कृति को तोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा, तो भविष्य कैसे बताएंगे आप? ये आज का दृश्य जो देखिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे कहाँ? बिल्कुल, हम लोग स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, सड़क से संसद तक इसमें जा रहे हैं। इसमें संसद में बहस भी हुई है, काफ़ी लोकसभा सांसदों ने विषय को उठाया गंभीरता से, सोशल मीडिया पे भी हुआ, इसकी चर्चा भी हुई और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी मिल रहा है। आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वो भी हमारा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है।
आपकी हमारी जो आपकी जो सहयोग है, मैं चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप ट्राइबल में जाइए, सुदूर एरिया में जाइए। आज वाकई में उनकी अपनी जो रीति रिवाज परंपराओं को बहुत दूर कर दिया हूँ। आज उनकी संस्कृति जो एक हमारी पूजा पद्धति है आदि परंपरा की, देव पूजा होती है, हम लोग शादी विवाह में त्यौहार में करते हैं, उनमें कई जगह पर जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वो लोग नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारी अस्तित्व की बात है। तो हम चाहते हैं कि आप भी सहयोग करें, यह सब उजागर करें, क्योंकि आप करेंगे तो इसका एक अच्छा उदाहरण मिलेगा, समाज को जागरण का एक भाव मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर एक संगोष्ठी यहाँ पर विश्व संवाद केंद्र में आयोजित की गई, और निश्चित तौर पे डीलिस्टिंग ऐसा विषय है जिस पे सड़क से सदन तक चर्चा की जा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, इसको समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये विषय, कि अगर आदिवासी अपनी मूल संस्कृति या वनवासी अपनी मूल संस्कृति को उससे दूर हो जाएंगे तो उनका अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कैसे? अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उनकी पूजा पद्धति पूरी तरह से विभिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। जो प्रकृति पूजक होते हैं उनकी जो पूजा है वो या तो इस्लाम मज़हब के हिसाब से हो जाएगी या ईसाई, जिसमें भी वो कन्वर्ट होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो आदिवासी रहते ही नहीं हैं और उनको आरक्षण के कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, तो ये एक उत्प्रेरक का काम करता है कि देखिए, हमें तो फ़ायदा मिल ही रहा है, तो वो यहाँ पर वो परिवर्तित लगातार हो रहे हैं लालच के कारण, जिस तरह से तमाम जो है वक्ता बोल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत की जड़ों को खोखला करने का लंबे समय से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस मुहिम में ये लोग कितने कामयाब होते हैं या नहीं, आप ज़रूर हमें बताइएगा। आपको इनके विचार कितने सहमत हैं उन विचारों से, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इस मुहिम के साथ आप जुड़ रहे हैं या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।